कंगना रनौत राजनीति की दुनिया में किस्मत आजमा रही हैं। अब तक आपने उनको सुनहरे पर्दे पर देखा था, मंडी से चुनाव लड़ रही हैं, उनसे बातचीत हम करेंगे। अब हमारे सहयोगी भी जैनेन्द्र वहां पर मौजूद हैं, उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे। माहौल क्या है मंडी में हम आपको दिखाएंगे, हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, अलग अलग राज्यों की बात करेंगे, हर तस्वीर आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। लेकिन जैनेन्द्र, आज की सुबह मंडी में अगर लोगों से आपकी बातचीत हुई हो, लोग क्या कह रहे हैं, क्या कुछ नजर आ रहा है, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, मैं तो इस वक्त मंडी की जो सीट है भामला गांव में हूं, जो कंगना रनौत की सीट है, कंगना रनौत का गांव है, माफ करिए, और इस वक्त वो अपने अपने बूथ पर मतदान करने के लिए पहुंची हैं और एक आम वोटर की तरह कतार में लग करके अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। तस्वीरों में आप कंगना रनौत को देख सकते हैं, हिमाचली टोपी पहने हुई हैं और वो पहले वो इंतजार कर रही थी, लेकिन फिर वोटरों ने ही कहा, जो कि उनके गांव के ही लोग हैं, कि आप आगे जाइए और आप पहले वोट कराइए। तो कंगना रनौत अब अंदर जा रही हैं मतदान करने के लिए। फिल्मी जो पारी है, फिल्मी जीवन सुपर हिट रहा है कंगना का, और यही बड़ी वजह है कि उन्हें इस बार बीजेपी ने मंडी से चुनाव लड़ाया है और टिकट दिया है। उनके सामने विक्रमादित्य सिंह हैं, जो सुक्खू सरकार में मंत्री हैं, और प्रतिभा सिंह, जो हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, उनके बेटे हैं। मंडी सीट पर 2019 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में उपचुनाव में प्रतिभा सिंह यहां से सांसद बनी, और फिलहाल प्रतिभा सिंह ही सांसद हैं, उनके बेटे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। और कंगना और विक्रमादित्य दोनों युवा नेता हैं, दोनों के बीच बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। फिलहाल कंगना रनौत जो है वो बिल्कुल भी मीडिया से कोई भी बातचीत नहीं कर रही है, सिर्फ मुस्कुराते हुए अपनी बारी का इंतजार कर रही है। लेकिन मेरे साथ उनकी माँ है अखिलेश, और हम चाहेंगे कि उनकी माँ से हम बात करें। माताजी, बिटिया के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा दिन है और बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है, और अपनी जनता के लिए बहुत ही एक विश्वसनीय है, और हमारे पूरी जनता के लिए सौभाग्य वाला दिन है। इनके लिए किस तरह की खास मेहनत की आप लोगों ने, और अभिनेत्री कंगना और नेता कंगना में क्या फर्क माँ ने महसूस किया? बहुत फर्क है, अब लोगों की सेवा करेगी, तो उस वक्त तो उसने मीडिया उसमें बॉलीवुड में काम किया। अब ये यहीं रहेंगी, आप लोगों के साथ ही रहेंगी, यही सेवा करेंगी पूरा, चाहे जीते या हारे तब भी करेंगी, या जीतने के पूरा टाइम से? नहीं, हर टाइम। मेरे साथ कंगना की भाभी भी हैं। मैडम, अपना नाम आप बताएंगी, और आज वोटिंग का दिन है, परिवार में किस तरह के इमोशन? हम लोग बहुत खुश। ठीक है, तो कंगना के बूथ पर पहुंचने की वजह से थोड़ी गहमा गहमी, थोड़ी नहीं बल्कि ज्यादा गहमा गहमी बढ़ गई है। यहां पर सुबह से ही 6 बजे से हम लोग मौजूद हैं, और मतदान शुरू होने के 1 घंटे पहले से यहां पर लोगों की कतार लगनी शुरू हो गई थी। वोटिंग थोड़ी धीमी हो रही है, और यही वजह है कि कंगना पहुंची है। काफी संख्या में मतदाता जो है वो मतदान केंद्र के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं, और मीडिया व कर्मियों की संख्या भी ज्यादा है। तो इन सबके बीच कंगना रनौत अब वोट डालने के लिए अंदर चली गई हैं, और उनके साथ उनका परिवार, खासतौर पर और भाभी जो हैं वो साथ में मतदान करने के लिए पहुंची हैं, और फिलहाल कंगना रनौत बूथ के अंदर हैं। देखना यही है, कंगना ने अपने लिए बहुत सारी सुपरहिट भूमिकाएं चुनी हैं, लेकिन इस बार जो वो भूमिका चाहती हैं उसमें चयन उन्हें नहीं करना, चयन जनता को करना है कि क्या वो ये भूमिका, सांसद की भूमिका, मंडी की जनता कंगना को देना चाहती है या नहीं, ये 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन कंगना के इस सीट से लड़ने से, और उनके सामने विक्रमादित्य सिंह जैसे कद्दावर नेता के लड़ने से, इस सीट पर लड़ाई काफी कांटे का है, और इस सीट पर सबकी नजरें हैं। अखिलेश, फिलहाल हम देख रहे हैं कि कंगना रनौत जो है वो पोलिंग सेंटर के अंदर चली गई हैं, बूथ के अंदर चली गई हैं, और अब से कुछ देर में वो मतदान करके निकलेंगी। कंगना ने प्रचार तो खूब किया उनके लिए, प्रचार करने में दिखा रहे हैं। कंगना रनौत जब अंदर पहुंची हैं, वहां पर जो अधिकारी होते हैं पोलिंग बूथ के अंदर, उनसे उन्होंने अपनी पर्ची के मिलान के बाद अब वो वोट डालने के लिए जाएंगी। वहां पर ईवीएम मशीन में जब वो बटन दबाएंगी, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, मंडी में दरअसल एक गांव है जहां की वोटर हैं, खुद मतदाता है कंगना रनौत, और यहीं पर पहुंची हैं वोट डालने के लिए, दस्तखत करते हुए वहां पर, और उसके बाद वो वोट डालेंगी। जो तमाम औपचारिकताएं होती हैं इस चुनावी प्रक्रिया में, उसका निर्वहन करने के बाद कंगना रनौत अब वोट डालने के बाद वहां से बाहर निकलेंगी। ये पोलिंग स्टेशन के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और ये देखिए विक्ट्री साइन दिखाती हुई नजर आ रही है वोट डालने के बाद। ईवीएम का बटन दबा दिया उन्होंने, और उसके बाद जो स्याही लगी हुई उंगली होती है वो वहां पर मौजूद, उन्होंने मीडिया कर्मियों को वो उंगली दिखाई, और उसके बाद अब वहां से रवाना होती हुई नजर आ रही है कंगना रनौत।
ये तस्वीरें आप हिमाचल प्रदेश में जो मंडी लोकसभा क्षेत्र है उसी के अंतर्गत आने वाले एक गांव की देख रहे हैं, जहां पर कंगना रनौत भी वहां पर वोटर हैं, मतदाता सूची में उनका भी नाम और वोट डालने के लिए जब आज सुबह पहुंची थी उस दौरान की तस्वीर। ये विक्ट्री साइन दिखाते हुए कंगना वहां से रवाना हो रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।